नरसिंह जी का तो कथा कम है, इसमें तो गाना ज्यादा है, खूब गाओ। और दादू जी महाराज खुद कहते रे मन गोविंद गाय रे गाय, आप गाओ गोविंद का गुण गाओ, जन्म अविर्थ हो जाए रे जा। ऐसा जन्म ने बारंबारा ताते जपले राम प्यारा। आज मौको मिलो, अवसर मिलो, आपस में एक जगह बैठा, अब हरि गुण गाने रे वास्ते तो बैठा, या सुन शांत अब कमरा में भी जार बैठ सका। कति दूर दूर है हमारे गंगानगर सु भाई साहब पधारिया, हाँ खड़िया हो ताड़िया बजाओ, गंगानगर सु आया मारी कथा सुन रहा वास्ते आया। बहुत बहुत आशीर्वाद गो माता, आशीर्वाद करे दादू दयाल जी था कि भक्ति यानी जागत ली रहे। नारायणा सु पधारिया, जोधपुर सु भाई साहब पधारिया, और नारायणा सु काफी टीम पधारी है, बाकी तो ज्यादातर मैंने पुष्कर का लाग रहा हो, और मारा जयपुर सु अब बनासा पधारिया ही है। तो आप अति दूर पधारिया तो हरि गुण गाने मारे, तो बनासारे तो वर चुनाव में ड्यूटी लागेड़ी, फिर भी आप बोले पुष्कर जी का घाट पर बैठ रहा था, नरसिंह जी को चरित्र सुना, ये वास्ते आपका बीच पधारिया। धन्यवाद आपको, आपकी बहुत बड़ी जगह जगह ड्यूटी है, और मैं भी उतरो ठालो को नहीं, मैं भी रोजिना जागरणा करता फिरूँ, गीत गाते फिरूँ, पर आपके बीच में मौको कदी कदी के मिले। आज ये नरसिंह जी का चरित्र में मिलियो है, हमारे अहमदाबाद से पधारिया ठेठ सत्संग सुनने वास्ते, परम भक्त है, गो भक्त है। अभी अहमदाबाद में सत्संग राखियो साहब, मन भी घोड़ी माला बिठाण दियो, तो लो कह रहा को दूसरो बाबू रामदेव आ गो, तो मारी एक कपड़ा पेरिया अभी मन वो दे दियो झंडो हाथ का मैंने, और कहीं बड़ो जुलूसो काटियो सा, एडो जुलूस कोई को नहीं काटियो मारो, राम भजन जी क्या तो हाथ आगे आगे बजवा दिया, कहीं कलश वड़स रे ढोल वोल मेको कहीं मत बजवा, जब तो सीधो ही मंच बजार बैठो कथा का भाई। तो बोलो आप लोग मारी टूटी फूटी बाणी ने थे स्वीकार करो, और तीन दिन जेल लीजो मैंने, अतरी बात है। बोलो नरसिंह जी महाराज की। तो एडो भरोसो हो राम जी को, आपा आप तीन दिन की कथा में अपनो एडो दृढ़ विश्वास हो जा, भरोसा हो जा राम जी का ऊपर, तो आपने कथा सुनो सार्थक है, मारो भी मंच पर बैठ रहे महाराज को उतरो खर्चो करनो सार्थक हो जाए, आपनो दृढ़ विश्वास हो जा राम जी पर, धन पे नहीं, दौलत पे नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा पे नहीं, मैं घना पद पे बैठोड़ा ने प्रतिष्ठा पे जाने बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं मिली, पर आखिर में वाने दाना चुगता देखा, बड़ा बड़ा धनवान लोग अरबों खरबों की उनके पास संपत्तियां होगी, लेकिन आखिर में उनकी कोई सेवा करने वाली नहीं। तो इसलिए भरोसा राम जी पे होगा ना, तो राम जी के पता नहीं राम जी किसके गठ में बैठ करके आपकी सेवा करें। तो भरोसा होना तो राम जी पे होना। तो पीपा जी महाराज ने कहा अब तो मोए राम, अब तो मुझे राम जी पे भरोसा है, अब मुझे काल का भय नहीं है। इतने में वो धाड़ मारता हुआ वो सिंह छलांग लगा करके और पीपा जी महाराज के सामने आ गया। पीपा जी महाराज ने इतना ही कहा कि पता नहीं कौन सा जन्म में कोई खोटा कर्म किया जो तू पशु बन गो, और फिर तू जीवा की हिंसा करे, अरे राम जी का भजन कर तो राम जी ने प्राप्त हो, और अब भी इस जन्म ने सुधार ले, अरे यो खानो पीणो छोड़, अरे हरि का भजन कर, मनक जमारो शुद्र था, मनक जमारा माजा। और पीपा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो जो सिंह थो वो महाराज संता का चरणा में झुकता ही भी कि सारो वो हिंसक भाव दूर हो गए। जान दादू जी महाराज खाटू का महीने हाथी मतवाड़ो हाथी छोड़ दिया, और दादू जी महाराज का चरणा में पड़ते ही वो भी हाथी को मतवाड़ो पण समाप्त हो गो, और महाराज के चरणा में वह चरण रज उठा उठा रहा अपना शरीर पे पटकने लगे। कैसे तुम तेजो माया तखत दिखायो नाथ, आगरा निकट से शीकरी अकबर को बादशाह, बोलो मैं तो दादू जी खुदाई जानू, ऐसा वचन कहो सो तो मुश्किल था,
कैसे तुम्हें सांबर खाटू गज राज मातो आई के झुकाए दिए सोंड सु चरण छुए शीश नवाय खाटू गज राज मा तो गज कहते हाथी को वो महाराज का चरणा में चरण रज उठा उठा रहा आपने माथा पर पटकने लगी दादू जी महाराज आशीर्वाद दिया भी तो वो आपने हिंसक संत के सामने आकर कितना ही बड़ा हिंसक हो वो संत के चरणों में आते ही वो अहिंसक हो जाता अपने हिंसक वो शेर भी हिंसक था वो अहिंसक हो गया और उसने जंगल में जाकर के और वो उस शरीर को पूरा किया और जब दूसरा जन्म उनका होता है वो नरसिंह मेहता के रूप में होता है वो राजा बनता है राजा के बाद में फिर तीसरा जन्म होता है वो नरसिंह बनता है ऐसे ही है ना कहानी और वो जो नरसिंह मेहता ये बहुत बड़ा सेठ था जूनागढ़ का और इनमें किताब में लिखियो में बाचियो इन्हें आज मैं शुरुआत करूं मैं नरसिंह जी की कथा की वंद श्री गुरु चरण द्वितीय वंद सब साध तृतीय वंद पर ब्रह्म दो वाणी विमल अगाध भगत भगति भगवंत गति मोपे लखी न जाय दीन दयाल दया करो दीजो मरम बताय गुरु महाराज को सबसे पहले प्रथम वंदन किया सतगुरु को दादू जी महाराज ने भी सबसे पहले गुरु महाराज को वंदन किया दादू गेव माई गुरुदेव मिला पाया मस्तक मेरे कर दिया दीक्षा वैसे तो सबसे पहले गणेश जी को बनाते गजाननम भूत गणादि सेवितम कफित जंबु फल चारु विभक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर हे गणपति बाबा मैं आपको वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ मेरा सारा विघ्न दूर कर देना मुझे सदमति देना कि मैं नरसिंह जी का चरित्र गा पाऊं अब मैं गुरु महाराज को वंदन करता हूं कि मेरी वाणी को विमल कर देना मैं गुरु महाराज को वंदन करूं मैं परब्रह्म परमात्मा को वंदन करूं और जितने भी जो संत महापुरुष हैं उनको भी वंदना करता हूं कि मैं नरसिंह जी का चरित्र गाने जा रहा हूं आप आशीर्वाद प्रदान भगत भगत भक्ति भगवंत गति मोपे लखी न जाए भगत की और भगवंत की गति कोई लिख नहीं सकता भगत भक्ति और भगवंत इनकी गति कोई अभिगत की गति कोई न लहे सब अपना अनुमान कहे कहते ब्रह्मा वेद विचारे कहते पंडित पाठ पढ़े कहते अनुभव आत्म खोजे कहते ज्ञानी ज्ञान रखे उस अभिगत की गति कोई नहीं लिख सकता है लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं दीन दयाल दया करो अगर आप दया कर दो तो लिख दूंगा आपकी दया हो जाए दादू दया दयाल की सो क्यों छानी हो प्रेम पुलक मुलकत रहे सदा सुहाग आप दया करो आप दया करके मुझे ये मरम बताइए दीजो मरम मोहे बताई इस कथा का जो रहस्य है सिर्फ कहानी नहीं कहनी है मुझे मुझे इस रहस्य में जाना है कि रहस्य क्या है कि नरसिंह जी का ये चरित्र इतना क्यों गाया जाता है और विशेष करके राजस्थान में गाया जाता है मायरा तो अभी नागौर जिला में घना ही मोटा मोटा मायरा भरे लोग अब आप बता रहे थे 8 करोड़ को तो आका भाई बंदी भर दिया लेकिन भले ही 56 अरब को भर दियो लेकिन ठाकुर जी जैसा मायरा तो कोई ठाकुर जी भर सके दूसरों को नहीं भर सके श्री गणपति को प्रथम मनाऊं चौपाई जिन पर कृपा
पत्थर भी तिर जाते। पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं चाहूंगा थोड़ी देर थे भी बोलो मारला, मैं नाम की महिमा गा रही हूं। अथे अड़े ही न बोलिया तो पाच कद बोली, सर में काटो थोड़ी सी। राम जी को नाम ले ले आटो आवे लो, थारी काया और गुलाबी रंग उड़ जावे। हाँ। हाँ। आप गाओ मारे साथ। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो बोलो श्री राम। आप मैं सोचो को बाबूजी कथा बांच वाला तो वही गाओ लोग, मैं तो कौन गावा, थे सब कथा बांच वाला ही हो, थे सब गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय। ये नाम ही जो हमें पार उतारेगा। नाम रो दीवानो जारो कोई क्या करे रे, नाम रो दीवानो जारो कोई क्या करे। ओ जाने देख्या भूत भागे, काल जम डरे। ओ जाने देख्या भूत भागे, काल जम डरे। मुझे पूजे हमारे रामनिवास दास जी महाराज याद आए, वो कथा करते थे तो ऐसे गुवाते थे सब। एक बार चतुर्मास